दोस्तों, भगवान राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें एक है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस और दूसरी है वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ भगवान राम पर लिखे गए हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों ने रामायण को टीवी पर जरूर देखा होगा, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही गुप्त रहस्य जो आपको हैरान करके रख देंगे। रामायण के श्लोकों से बनता है गायत्री मंत्र। दोस्तों, गायत्री मंत्र में कुल 24 शब्द हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है और सर्वप्रथम इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्या भगवान राम के केवल 3 ही भाई थे? भगवान राम के माता पिता एवं उनके भाइयों के बारे में तो प्रायः आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी मालूम है कि श्री राम और उनके भाइयों की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। देवी कौशल्या उनकी माता थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को बखूबी निभाया। 14 वर्षों तक कैसे जागते रहे भगवान लक्ष्मण? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गोदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। खुद नासा भी है राम सेतु के सामने नतमस्तक। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ता और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर है। भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार है? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। कुंभकर्ण को कैसे मिला इंद्रासन की जगह निद्रासन? रामायण में एक दिलचस्प कहानी है हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू अर्थात बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए जिससे वो इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। सीता स्वयंवर में इस्तेमाल हुए धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। वन जहां वनवास के समय रुके थे राम लक्ष्मण और सीता। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम था
दंडकारण्य, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। शूर्पनखा ने क्यों दिया अपने ही भाई रावण को श्राप? रावण को अपनी प्यारी बहन शूर्पनखा का भी श्राप मिला था। शूर्पनखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्वा का वध कर दिया। तब शूर्पनखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। भगवान राम ने क्यों दिया अपने ही भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। भगवान राम ने कहां किया था अपने शरीर का परित्याग? ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। तो दोस्तों, क्या आप इन सभी रहस्यों के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की रहस्यमयी और पौराणिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम।